गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पार्ट 5 संज्ञा। आप लोग को बुक रीडिंग हो चुका है तो आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पढ़ेंगे। बुक रीडिंग करने के बाद बेटा कुछ प्रश्नों का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम उसे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी जाने। जिसे हम आज हम पढ़ेंगे प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं। ये पार्टिंग में आप लोग पढ़ चुके हैं, बुक में पढ़ा दिया गया है कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, किसी भी वस्तु प्राणी स्थान के नामों को, यानी उसके नामों से ही हम जानते हैं। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ना आवश्यक होता है। तो हम चलते हैं, प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, आप लोग याद करेंगे और कॉपी पे अच्छे से राइट भी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, आप लोग ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। पाठ 5 संज्ञा, प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पे। फिर उत्तर लिखेंगे आप लोग, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन और उत्तर। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और जैसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर में है। जैसे शिक्षक वायुयान, वायुयान यानी जहाज को कहते हैं, जो वायु यानी ऊपर आसमान में उड़ती हैं। जहाज कहाँ उड़ती हैं, आसमान में। दिल्ली मछली मिठास आदि, ये जैसे में आप लोग लिखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, प्रश्न है, प्रश्न संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड है भाववाचक संज्ञा। तो ये आपने पढ़ा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें हम आप लोग वन क्लास में भी आप लोग संज्ञा के बारे में पढ़े होंगे, तो आप लोग को कुछ याद ही होगा, या घर पे बैठे बैठे भूल गए होंगे, तो आज को फिर से क्लास 2 में रिवाइज करा रहे हैं। अब हम इसमें और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उत्तर, किसी विशेष व्यक्ति प्राणी वस्तु तथा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री गणेश जी, रामायण, दिल्ली आदि। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे में महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, श्री कृष्ण जी, गणेश जी, शंकर जी, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, यानी आप लोग जैसे में अपने से भी ऑप्शन लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ेंगे बेटा। प्रश्न, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उत्तर, जिस संज्ञा से भाव अवस्था दशा की जानकारी हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को दिया है, जैसे प्रेम, लालच, घृणा, क्रोध, बचपन, आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्रोध, बचपन आदि, यानी आदि। तो फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं। प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोग देखें, अब उत्तर लिखेंगे आप लोग। उत्तर, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा, जैसे में हम लिखेंगे, ये जैसे शिक्षक वायुयान, दिल्ली,
मछली, मिठास आदि। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलेंगे। दिया है प्रश्न, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। तो ये हुए आपके। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पढ़ेंगे। प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु तथा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे श्री गणेश जी, रामायण, दिल्ली आदि। अब क्वेश्चन नंबर पे हम चढ़ेंगे। प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर, जिस संज्ञा से भाव, अवस्था, दशा की जानकारी हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रेम, लालच, बचपन, क्रोध, खट्टा आदि। यहाँ पे खड़ी पाई। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसको कॉपी पे अच्छे से राइट करके ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर कॉपी पे भी उसको लिख लीजिएगा और लर्न कीजिएगा।